अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मैं आपका दोस्त हबीब कुरैशी और आप देख रहे हैं 110। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली विजिट पे आपको कहीं ना कहीं का टूर जो है करवाता हूं और बहुत कुछ बताता हूं वीडियो के ज़रिए। तो इसी तरह आज हम टंडो जान मोहम्मद जा रहे हैं और वहाँ का आपको विज़िट करवाएंगे और वहाँ के बारे में कुछ ख़ास बातें आपको बताएंगे। तो जो मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, 110 पहली बार देख रहे हैं, तो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, देखने के बाद लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। जनाब ये था हमारा मीरवा गौर चानी तक का सफ़र और यहीं से हम वापस जो है मीरपुर खास के लिए रवाना होंगे, क्योंकि यार मीरवा जो है मीरवा में पहुंचने के साथ ही हमारी बुलबुल की हो गई तबीयत नासाज। हमारी बुलबुल को जो है गेस्टो और मूवमेंट हो गई है, तो उल्टियाँ लग गई हैं और अब इसके बाद जो है हम बुलबुल को लेकर जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो आज तक का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि आगे जा नहीं सकते, मजबूरी है। और जो है अच्छा आप सोच रहे होंगे ये मीरवा गौर चानी जो है क्या है। मीरवा जो है एक शहर है, मीरपुर खास ज़िले का एक शहर है मीरवा सिटी है। और गौर चानी जो है बलोचिस्तान की बलोची पैदावार है। बरतानिया के टाइम पर यहाँ मीरवा या मीरवा सिटी की जगह पर बरतानिया के टाइम पर गौर चानियों का कबीला हुआ करता था, तो इस वजह से इस शहर का नाम जो है मीरवा सिटी का नाम जो है मीरवा गौर चानी है। और भी बीच में रास्ते में आपने देखा होगा गोट पड़े थे, मक्खन सम्मन गोट पड़ा, बिलाड़ो गोट पड़ा बीच में रास्ते में जो है, इसके अलावा लगारी पड़ा गोट, ये सब जो है छोटे गोट हैं। मीरवा गौर चानी जो है शहर है, सिटी है, ज़िला मीरपुर खास का सिटी है। ये तकरीबन मीरपुर खास सिटी से 12-15 किलोमीटर के फासले के ऊपर आबाद है। तो जनाब हम चलते हैं अपनी बुलबुल को डॉक्टर के पास लेकर, और जो है आज का सफ़र यहीं ख़त्म करने के लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। इरादा तो आपको टंडो जान मोहम्मद लेकर जाने का था, पर मीरवा गौर चानी में जो है बुलबुल की तबीयत नासाज हो गई, जिसकी वजह से हमें इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है टंडो जान मोहम्मद का भी विज़िट करवाऊंगा आपको। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं बुलबुल को डॉक्टर के पास लेकर। जनाब हम बुलबुल को डॉक्टर के पास लेकर आ गए हैं क्लिनिक पर। बुलबुल का ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है। पेट के अंदर एक थोड़ा सा जो है थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन की फुल तैयारी है, बस ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब भी आ गए हमारे, मिलवाते हैं आपको डॉक्टर से। तो जनाब ये हैं डॉक्टर फैज़ान, MBBS हैं और बुलबुल के स्पेशलिस्ट भी हैं, बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। ये देखें सारा टीन टप्पड़ जो है इन्होंने खोल दिया है, ऑपरेशन कर रहे हैं बुलबुल का। तो
तो जनाब हमारी बुलबुल हो गई है तैयार, माशाल्लाह से ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, कामयाब हुए डॉक्टर फैज़ान कुरैशी। अब ट्राई लेने के लिए जा रहे हैं, तो ट्राई लेकर आ जाएं, फिर एक बार हम भी ट्राई लेंगे। तो जनाब हम घर आ गए हैं, ये थी आज की बोर वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप भी खुआर हुए होंगे मेरी तरह, क्योंकि आज बुलबुल ने बहुत खुआर किया है, क्या पता इसमें भी अल्लाह की कोई मसलियत हो सकती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब मुझे इजाज़त दें फ़िलहाल, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिएगा और देखते रहिएगा 110।